तक मैंने दोनों साइडों की तीन तीन कॉइलें जो है ये बना दी हैं। अब मैं चौथी कॉइल बनाऊंगा इसकी। चौथी कॉइल जो है हमने ये वाला स्लॉट लेना, पीछे वाला ही। ये पहले कॉइल अभी मैंने बनाई थी जो इसके साथ ही, ये पीछे वाला इधर। इसकी भी 50 ही टर्न डालनी है। कॉइल की 50 टर्न मुकम्मल हो गई है। इसका कनेक्शन अब इधर पीछे वाले कुंडे पे करूंगा मैं, इस वाले पे, ये इसके साथ वाला जो है, ये वाला, इस पे कनेक्शन करूंगा मैं इसका। इंसुलेशन जो है ये अच्छे तरीके के साथ उतारनी है। दोस्तों वीडियो में बार बार बताने का मकसद ये है कि इंसुलेशन जो है इसकी अच्छे तरीके से उतारनी है ताकि कोई भी कुंडा जो मिस ना हो जाए आर्मेचर का। ये अब मैं दूसरी कॉइल इसकी बनाऊंगा कनेक्शन करने के बाद। इधर इसी स्लॉट में ही दोबारा 50 टर्न डालनी है। ये इस कॉइल की 50 टर्न मुकम्मल हो गई है। चौथी कॉइल की एक साइड की ये मुकम्मल होने के बाद इसका कनेक्शन अब पीछे वाले कुंडे पे मैं करूँगा, ये इधर वाले पे, इस वाले, इस पे। ये कनेक्शन करने के बाद दूसरी साइड शुरू करूँगा मैं। ये इस साइड की चार कॉइलें मैंने मुकम्मल कर दी हैं, 1 2 3 4। अब दूसरी साइड की चौथी कॉइल बनाऊंगा। ये अब ये मैं दूसरी साइड की चौथी कॉइल बनाने लगा हूँ इसकी। इसकी भी 50 ही टर्न डालनी है। पचास टर्न की कॉइल है ये भी। ये इस कॉइल की 50 टर्न मुकम्मल हो गया, एक कॉइल की। इस कॉइल का कनेक्शन अब इधर पीछे वाले कुंडे पे करूंगा मैं, ये इस वाले पे। ये कनेक्शन करने के बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में ही 50 टर्न देनी है।
ये इस कॉइल की भी 50 टर्न मुकम्मल हो गई है, चौथी कॉइल दूसरी साइड की। इसका कनेक्शन भी इधर पीछे वाले कुंडे पे करेंगे, इधर वाले पे ये वाली कॉइल डाली है अभी। यहाँ तक दोस्तों मैंने दोनों साइडों की चार चार कॉइलें बना दी हैं। अब पांचवी कॉइल मैं बनाऊंगा। अब ये मैं इसकी पहली कॉइल की पांचवी कॉइल बनाने लगा हूँ एक साइड की। इसकी भी 50 ही टर्न देनी है। ये इसकी 50 टर्न मुकम्मल हो गया है इस वाली कॉइल की। इसका कनेक्शन जो है ये इधर पीछे वाले कुंडे पे, इस कॉइल का इधर कनेक्शन इस साइड पे। ये कनेक्शन करने के बाद फिर दोबारा इसी कॉइल में 50 टर्न देनी है। अब ये मैं इसकी दूसरी कॉइल जो है वो डालूँगा, पांचवी कॉइल की दूसरी कॉइल। यहाँ पे दोस्तों मैंने तार का कलर चेंज है, ये ब्लैक कलर की तार है, ये दूसरी तार की थोड़ी सी इंसुलेशन ख़राब थी इसलिए मैंने ये टुकड़ा चेंज कर दिया। तार का नंबर वही है, 34 नंबर तार है, 50 ही टर्न देनी है। ये इसकी 50 टर्न मुकम्मल हो गई है पांचवी कॉइल की। अब इसका कनेक्शन जो है ये इधर पीछे वाले कुंडे पे, इधर इस साइड पे। अब एक साइड की 5 कॉइलें मुकम्मल हो गई हैं। अब इसी साइड पे ही दूसरी कॉइल मैं 6ठी बनाऊंगा इसकी, फिर दूसरी साइड की हम कॉइल बनाएंगे इसकी। ये एक साइड की लास्ट कॉइल बनने लगी है इसकी, 6ठी एक साइड की। इसकी भी 50 ही टर्न देनी है। ये इसकी 50 टर्न मुकम्मल हो गया इसकी, 6ठी कॉइल की एक कॉइल की। इसका कनेक्शन ये पीछे वाले कुंडे पे, इधर
फिर दोबारा इसी कॉइल में ही 50 टर्न देनी है। ये इसकी 50 टर्न मुकम्मल हो गई है, इस कॉइल छठी की लास्ट की एक साइड की। इसका कनेक्शन जो है ये हमने इधर करना है जहाँ पे मैंने दूसरे का स्टार्ट लिया था। ये जहाँ पे दूसरे का स्टार्ट मैंने लिया था पहली कॉइल का, दूसरे सिरे पे एंड हो गया इसका पहली कॉइल का। यहाँ तक एक साइड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया इसकी। अब इसका मैं कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन करने के बाद फिर दूसरी साइड की मैं पांचवी कॉइल बनाऊँगा। ये एक साइड की कॉइल जो है ये कंप्लीट हो गई है इसकी। यहाँ तक एक साइड कंप्लीट हो गई है। यहाँ से तार को अब कट कर देंगे। अब दूसरी साइड की मैं कॉइल बनाऊंगा पांचवी। अब ये मैं दूसरी साइड की पांचवी कॉइल बनाने लगा हूँ इसकी। इसकी भी 50 ही टर्न देनी है, साथ साथ तार को टाइट भी रखना है ताकि आपकी सारी कॉइलें जो अच्छे तरीके के साथ आ सकें। ये इस साइड की पांचवी कॉइल की पहली कॉइल जो है 50 टर्न मुकम्मल हो गई है इसकी। इसका कनेक्शन जो है अब मैं पीछे वाले कुंडे पे करूंगा, इस वाले पे। अब फिर दोबारा इसी कॉइल में ही 50 टर्न देनी है। ये इस कॉइल की 50 टर्न मुकम्मल हो गई है। अब इसका कनेक्शन मैं पीछे वाले कुंडे पे करूंगा इसके। यहाँ तक दूसरी साइड की मैंने पांचवी कॉइल मुकम्मल कर दी है। इसके बाद मैं छठी कॉइल बनाऊंगा इसकी। अब मैं इसकी छठी कॉइल आखिरी लास्ट कॉइल बनाऊंगा दूसरी साइड की। इसके बाद हमारा आर्मेचर जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब ये इसकी मैं छठी कॉइल बनाने लगा हूँ, आखिरी कॉइल। इस कॉइल की भी 50 ही टर्न देनी है। ये इस कॉइल की 50 टर्न मुकम्मल हो गई है। इसके बाद इसका कनेक्शन जो है ये पीछे वाले कुंडे पे है। इसके बाद लास्ट कॉइल जो है वो डालनी है हमने।
अब फिर दोबारा इसमें 50 टन डालनी है। टर्न मुकम्मल हो गई है इसकी, इसका कनेक्शन जो है जहाँ पे मैंने पहले का स्टार्ट लिया था, पहले सेट का, ये दूसरी कॉइल का पहले सिरे पे एंड हो गया इसका। यहाँ पे हमारी वाइंडिंग जो है इसकी मुकम्मल हो गई है इस आर्मेचर की। ये जो आर्मेचर मैंने वाइंड किया है, अब मैं इसकी फिटिंग करूंगा। ये वार्निश मैंने इसकी कर दी है, वार्निश करने के बाद ये अब बिल्कुल खुशक हो चुका है। अब इसकी मैं फिटिंग करूंगा, फिटिंग करके मैं आपको चला के दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब ये मैं इसके कार्बन जो है वो लगा रहा हूँ। अब इसको चेक करेंगे मोटर हमारी कैसी बनी है। अब कार्बन डालने के बाद अब मोटर को चेक करेंगे हम। मोटर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बनी है। अब हम शोला चेक करेंगे इसका, कोई किसी किस्म का शोला नहीं है मोटर में। दोस्तों मोटर हमारी बहुत ही अच्छे तरीके के, शानदार तरीके के साथ मैंने बनाई है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।